सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन तेलंगाना स्टेट की एक प्रमुख इंटरसिटी के रेलवे जंक्शन, जहां प्रतिदिन 2 लाख से ज़्यादा फुटफॉल्स होते हैं और इसलिए इनर रेलवे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ डेवलप करने का मास्टर प्लान तैयार किए। बताया जाता है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन 720 करोड़ की लागत से तैयार होगी, जिसे अक्टूबर 2022 में अवार्ड की गई थी। ऐसे में आइए आज की इस वीडियो में डिटेल में इस सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन मास्टर प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं और साथ में यह भी डिस्कस करेंगे कि यह कब तक बनकर तैयार होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों में भी शेयर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन साउथ सेंट्रल रेलवे का एक महत्वपूर्ण स्टेशन, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 8 अप्रैल 2023 को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं प्रदान करने के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा था। बताया जाता है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को एक ट्रांजिट हब के रूप में डेवलप किया जाना है, जहां मेट्रो से लेकर बस टर्मिनल, टैक्सी स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयर कनेक्टिविटी सभी की एसेस होगी। स्टेशन की खास बात यह है कि इसे IIT दिल्ली द्वारा इसकी डिजाइन को तैयार की गई है, जो कि क्लाइमेट सस्टेनेबल डिजाइन है। मास्टर प्लान के तहत पूरा स्टेशन परिसर एक सिटी सेंटर, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में, एक ट्रांजिट सिस्टम के रूप में, एक ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां सभी बिल्डिंग्स ग्रीन सर्टिफाइड होगी और इसीलिए इस स्टेशन को दूसरे स्टेशनों से खास बनाएगी। स्टेशन की भव्यता आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे स्टेशन परिसर को 720 करोड़ की लागत से तैयार करेगी, जो लगभग 11,427 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला होगा। अभी जो स्टेशन परिसर है वो केवल 700 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला है, बट यह रीडेवलपमेंट होने के बाद 11,427 स्क्वायर मीटर एरिया में विकसित होगा। इतना ही नहीं, स्टेशन का अपना एक 5,000 किलोवाट का एक सोलर पावर प्लांट भी होगा। वहीं ट्रैफिक को देखते हुए 5 फ्लोर की एक मल्टी मॉडल कार पार्किंग को भी बनाया जाना है, जो कि एक हाईटेक और स्मार्ट पार्किंग होगी। वहीं अगर और भी डिटेल में मास्टर प्लान की बात करें तो इस पूरे स्टेशन परिसर में 108 मीटर की एक फुट ओवर ब्रिज को भी बनाया जाना है। कॉन्कोर्स काफ़ी बड़ी होगी, रूप प्लाजा होगा, फूड कोर्ट्स होंगे, थिएटर जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही शानदार तरीके से विकसित किया जाना है। वहीं एक टर्मिनल बिल्डिंग भी होगी, जो 3 फ्लोर के रूप में बनाया जाना है और ये सभी के सभी रेलवे स्टेशन जो परिसर डेवलप होंगे उसे गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डेवलप करेगी, जो कि 720 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। स्टेशन को पहली बार अक्टूबर 2022 में अवार्ड की गई थी, जिसे नरेंद्र मोदी जी द्वारा 8 अप्रैल 2023 को फाउंडेशन स्टोन रखा और इसे नेक्स्ट 3 ईयर में यानी कि 36 मंथ में इसे बनाकर पूरा किया जाना है। मतलब अगर इसको एग्जैक्टली डेट में बात करें तो अक्टूबर 2025 तक इस सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को एक हाईटेक और वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित किया जाना है। अपडेट्स की बात करूं तो अभी रिसेंटली ही 8 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जिसे अक्टूबर 2025 तक बनाकर पूरा किया जाना है। ऐसे में आपको ये जो स्क्रीन पर वीडियो देख पा रहे हैं, जो डिज़ाइन देख पा रहे हैं, ये सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का ही डिज़ाइन है, जो कि हैदराबाद के काफ़ी करीब है। ऐसे में आपको इस सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की जो डिज़ाइन है, लुक है, वो कैसा लगा आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के तर्ज पर ही साउथ सेंट्रल रेलवे 2 और बड़े बड़े स्टेशनों पर काम कर रही है, पहला तिरुपति और दूसरा नेलोर। दोनों ही स्टेशन को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के तर्ज पर विकसित करेगी, वर्ल्ड क्लास के रूप में तैयार करेगी और सब के सब डेडलाइन अक्टूबर 2025 दे रखा है। और ये सभी के सभी रेलवे स्टेशन दिव्यांग फ्रेंडली होगा, जो कि सभी तरह की मॉडर्न इम्यूनिटीज और फैसिलिटीज से लैस होगी। ऐसे में आपका इस पर क्या ख्याल है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।